सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एस सी प्रोफेशनल में। आज करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर कॉलर का प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस पेपर का एग्जाम पैटर्न देखिए, जिसमें जनरल समझ यानी कि सामान्य ज्ञान के 5 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स यानी कि गणित के 15 क्वेश्चन और फिर इंग्लिश के हमारे पास 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो एग्जाम का लेवल है जो ठीक है, ना ज़्यादा मुश्किल है ना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो मैं आपको इस एग्ज़ाम में 30+ स्कोर का टारगेट देता हूँ, ठीक है। अगर आपके इस एग्ज़ाम में 30+ स्कोर आते हैं तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी जो चल रही है वो अच्छी चल रही है, ठीक है। तो आपको 30+ क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है PDF की, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। जो सभी क्वेश्चन है हमारे पहले पेपर में रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, विनेश फोगाट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? तो जो विनेश फोगाट हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? वो है कुश्ती से, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सो हमारे पास दूसरा प्रश्न है, एलिमेंट इज यूज्ड टू स्टील टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। स्टील से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। अगला प्रश्न देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ फीफा गवर्निंग बॉडी इज लोकेटेड एट। फीफा गवर्निंग बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यूरिच, ठीक है, बी ऑप्शन। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन ए में दिया हुआ डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गीत गोविंद के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जयदेव। आगे हमारे पास सामान्य विज्ञान दूसरा भाग, हीमोग्लोबिन इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। मेटल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है, भविष्य की धातु? तो वो कहा जाता है ऑप्शन ए में दिया हुआ है टिटैनियम। टिटानियम को मेटल ऑफ फ्यूचर यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है। डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। डायलिसिस का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो उसका इलाज किडनी फेलियर के लिए किया जाता है, यानी कि फेल किडनी के लिए किया जाता है। बुलेट फायर फ्रॉम राइफल हैज। राइफल से फायर किए जाने वाले बुलेट में क्या होती है? तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट वाटर। खारे पानी की क्षमता को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो उसे हम बोलते हैं सलिनोमीटर, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए हमारे पास कंप्यूटर भाग है, मोडम इज कनेक्टेड विद। मोडम किससे जुड़ा होता है? तो मोडम किससे जुड़ा होता है? मोडम टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लैन की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ लैन, तो लैंड की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुपर कंप्यूटर वर प्राइमरली डिजाइंड बाय। सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है सैमर क्रे। तो सैमर क्रे के द्वारा सुपर कंप्यूटर सबसे पहले डिजाइन किए गए, ठीक है। आगे हमारे पास स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट कंपोनेंट ऑफ एन इमेज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकट होने वाले छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पिक्सल, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए वायरस की फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज। तो वायरस की फुल फॉर्म की क्या है? पहले ऑप्शन में दिया हुआ वाइड इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सिस अंडर सीज, और डी में दिया वाइटल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग अंडर सोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सिस अंडर सीज, ठीक है, सी ऑप्शन में दिया हुआ हमें करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए, आगे हमारे पास आ गया मैथमेटिक्स भाग यानी कि गणित, ठीक है। देखिए द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा? तो हमें घन का जो विकर्ण है जिसे डायगोनल बोलते हैं उसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहे हैं घन का आयतन पता करना है।
तो पहले हमें पता है जो डायगोनल होता है विकर्ण, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री इंटू साइड, साइड को मान लीजिए ए, ठीक है, तो अंडर रूट थ्री ए इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब डायगोनल हमें दिया हुआ है छः, और अंडर रूट थ्री इंटू ए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो ए हमारे पास आ जाएगा 6/√3, ठीक है, तो ए हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया 6/√3। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है, क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब, ठीक है, ए की क्यूब कर देंगे तो हमारे पास इसकी वॉल्यूम निकल आएगी। पहले हम इसको सही फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर हम 6/√3 को ऐसे लिख दें, अंडर रूट थ्री ऊपर और अंडर रूट थ्री नीचे, इसे रैशनलाइज कर दें, तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6√3/3, ठीक है, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री कट जाता है, ठीक है, थ्री को सिक्स से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू, तो हमारे पास आ गया 2√3, 2√3 हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब ए में भर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगी, 2√3 × 2√3 × 2√3, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 4 × 8, और फिर × 3, और फिर ×√3, हमारे पास आ गया 24√3, ठीक है, 24√3 हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है sin²30° cos²45° +4 tan²30° किसके बराबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो sin 30° है उसकी वैल्यू कितनी होती है, sin 30° होती है 1/2, तो इसका स्क्वेयर दिया हुआ है, स्क्वेयर कर दीजिए, फिर दिया हुआ है cos²45°, तो cos 45° कितना होता है, ये गुणा में है तो वह ये होता है 1/√2, स्क्वेयर दिया हुआ है स्क्वेयर कर दो, और जो आगे दिया हुआ है 4 tan, tan 30° हमारे पास कितना होता है, 1/√3, 1/√3 कर देंगे, इसका स्क्वेयर दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास आगे क्या निकल के आ जाएगा, देखिए यह आ जाएगा 1/4 × 1/2 +4 × 1/3, ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन बन के आ गई। आगे हमारे पास आ जाएगा 1/8 + 4/3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 35/24, जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, साम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण क्या है 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो साम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करना है, और साम चतुर्भुज के हमें विकर्ण दिए हुए हैं, तो जब हमें विकर्ण दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक विकर्ण को मान लीजिए डी वन और दूसरे को मान लीजिए डी टू, तो उसे डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 × 12/2, 2 से 12 कट गया, हमारे पास आएगा 6, और 11 को 6 से जब गुणा करते तो हमारे पास क्या आता है 66, यानी कि 66² सेंटीमीटर आ जाएगा, जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, दिया हुआ है √x/10 इज इक्वल टू 0.11, तो बोल रहे हैं √x/10 0.11 के बराबर है, तो कब बराबर होता है, जब हम x में इन चारों में से कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, इन चारों में से जब कोई वैल्यू पुट करते हैं तब √x/10 इज इक्वल टू 0.11 के बराबर होता है, तो x में इन चारों ऑप्शन में से कोई वैल्यू ऐसी रखें कि हमारे पास 0.11 आ जाए, सबसे पहले हम 1.21 रखेंगे, अगर x में तुम्हारे पास आ जाएगा 1.21 √10, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 121/100 का √10, और ये 121/100 का रूट का कितना होता है, ये आ जाएगा हमारे पास 11/10/10, ठीक है, ये जो 10 है ये यहाँ पे आ जाएगा, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 11/100, तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया 0.11, तो ये हमारे पास आ गया 0.11, तो हमें एक ऑप्शन बनी, तुम्हारा ए ऑप्शन भी सही आ गया, अगर दूसरी बनेंगे 1.21, तो अगर इसको भर के देख लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 121/1000 का √10, ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, 0.0121, ठीक है, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, तो जो कि किसके बराबर है, जो इसके बराबर नहीं है, ठीक है, माफ कीजिए, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 11/
जगह 11 बटा, और 1000 का हमें स्केयर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो निकल आएगा 30 से कुछ प्लस, ठीक है, लेकिन फिर भी ये आंसर इससे मैच नहीं करता, ठीक है, हमें निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा आंसर पहले ए करेक्ट आ गया, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-4 है, 2x-4 क्या है, एफ एक्स है, तो बोल रहे हैं एफ क्यू प्लस वन क्या होगा। एफ क्यू प्लस वन का मतलब है यदि इस इक्वेशन में क्यू प्लस वन भर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2q+1-4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2q+2-4, +2 और -4 क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है तो हमारे पास -2 आ जाएगा, आ गया 2q-2, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है डी ऑप्शन में। आगे देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज। एक वृत्त की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या किसी सर्कल का रेडियस बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ आ सर्कल यानी कि किसी रेडियस सर्कल का रेडियस है जो किसी सर्कल का रेडियस है जो एक सर्कल है वो उसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है, कोई और दो सर्कल है उनका जो एरिया है, ठीक है, ये एक सर्कल का एरिया हो गया, ठीक है, और ये दूसरे सर्कल का एरिया हो गया, दोनों के बराबर है, ठीक है, पहले सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ 24, दूसरे का दिया हुआ 7। अब जो ये वाला जो बड़ा है जो इसका कोई रेडियस आर मान लीजिए, ठीक है, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, दो सर्कल के एरिया के बराबर है जिसमें पहले सर्कल का 24 सेंटीमीटर दूसरे का 7 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, तो मान लीजिए पहले हम दोनों का जो 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का हम क्या है क्षेत्रफल निकाल देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले का पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22/7 × 24 × 24, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया जी 12,672/7, हमारे पास आ गया 1810.28, ठीक है, 1810.28 आ गया। अब दूसरे का करिए 7 सेंटीमीटर वाले का, तो इसका करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया, हमारे पास आ गया 154, ठीक है। अब एक आया था हमारे पास 1810.28 और दूसरा आया था 154 ये वाला, अब क्या हमारे पास रह गया जी, दोनों का सम कर देंगे, उन्होंने बोला है जब दोनों का सम करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, और ये पहले का हमारे पास निकला था 1810.28 और दूसरे का निकला है 154, जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1964, ठीक है, ये बड़ा बन गया, ठीक है, दोनों का जोड़ हो गया, दोनों का स्केयर हमारे पास एरिया कितना आ गया 1964। अब हमें क्या पता करना है, रेडियस पता करना है वो सर्कल का, जो हमें पता करना है रेडियस जिसका एरिया दूसरों के बराबर है, ठीक है, दूसरों के बराबर है, ये मान लीजिए इसका एरिया है किसके बराबर है, जो दोनों का हमने जोड़ निकाला है एरिया का वो कितना है 1964, मान लीजिए पॉइंट को चाहिए हटा दीजिए, ठीक है, 1964.28 था तो आर स्क्वेयर यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1964.28, आर इधर जो पाई है जो यहाँ पे उल्ट जाएगी 7 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास ये सोल्व करके क्या आ जाएगा 625, तो आर स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 625, तो 625 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 25 का होता है 625, तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 रेडियस, तो रेडियस हमने निकाल लिया है 25, ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जहाँ पे हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है, बी में नहीं दिया हुआ है और सी में भी नहीं दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दिस यानी कि 25 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 क्वेश्चन, ए फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू -1/(x-2), ठीक है, कोई फंक्शन है जी एक्स हमारे पास वो किसके बराबर है -1/(x-2) के बराबर है, तो वो बोल रहे हैं एक्स की ऐसी क्या वैल्यू भर दे हम इस इक्वेशन में जो एक्स दिया हुआ है, ठीक है, जो एक्स ये वाला है इसमें हम ऐसा क्या भर दें कि हमारे पास जो ये वाली सारी इक्वेशन है ये 0 के बराबर आ जाए, अब इस इक्वेशन में ऐसा कोई ऐसी वैल्यू भरें कि हमारे पास ये सारी रकम क्या है 0 के बराबर आ जाए,
ठीक है, जब वन माइनस वन में क्या बनेंगे, माइनस वन एक्स के माइनस वन बढ़ देंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस कट गया, हमारे पास वन माइनस टू जो बन गया माइनस वन, ये तो जीरो के बराबर आया ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में माइनस वन दिखा हुआ है, ये प्लस वन आएगा, ठीक है। और जब प्लस वन भरेंगे तो माइनस वन माइनस टू जो क्या माइनस थ्री, ठीक है। अब बारी है वन बाय टू की, जब माइनस वन बटा वन बाय टू भरेंगे माइनस टू करेंगे, ठीक है, तो जो ये वाला टू है माइनस वन बाय टू ये आ जाएगा ऊपर जाके माइनस टू, तो इसी ऑप्शन में जो दिया हुआ सी ऑप्शन में यहाँ पे वन बाय टू नहीं आएगा ऑप्शन में, यहाँ पे आएगा माइनस वन बाय टू, ठीक है, माइनस वन बाय टू आएगा। तो जब माइनस वन बाय टू भर देंगे ऊपर जाके तो क्या बन जाएगा टू, ठीक है, प्लस का यहाँ पे दिया हुआ माइनस टू, तो वो हमारे पास आएगा जीरो, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी हमें गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सी की जगह पे आएगा माइनस एक बटा दो, ठीक है, ये ध्यान में रखना, माइनस एक बटा दो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय द फॉर्मूला, कोई एक वृत्त के चाप पी क्यू की लंबाई सूत्र द्वारा दी गई है, तो जो क्या फॉर्मूला होता है, जो वृत्त का चाप होता है, मान लीजिए कोई वृत्त है जैसे, ठीक है, और जहाँ पे कोई एंगल बना रहा है, और जो जे वाली जो है जहाँ से लेकर यहाँ तक, जे हमारे पास क्या आ जाएगी पी क्यू, ठीक है, जो हमें निकालना है पी क्यू, ठीक है, इसकी जो लेंथ निकालनी है पी क्यू की, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, दोबारा बता दूँ, पूछ रहे हैं कोई वृत्त है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से कोण गई और यहाँ से कोई थीटा एंगल बना रहा है, और ये यहाँ से ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट है क्यू, ठीक है, और जो जे वाली चीज़ है जहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो वाली चीज़ है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं वृत्त की चाप। तो इसकी जो लंबाई होती है, कितनी लंबाई है इसकी, एल मान लीजिए, जो इसकी लंबाई है उसका फॉर्मूला है वो हमें पता करना है, ठीक है दोस्तों। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है टू पाई आर, टू पाई पता क्या होता है, टू पाई आर हमारे पास क्या होता है, जो वृत्त की हमें परिमाप निकालते हैं, जो सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल है मान लीजिए ये वाला हमारे पास, ये सर्कल है हमारे पास मान लीजिए, तो इसका जो परिमाप है, जो साइड वाला इसका घेरा है, उसका क्या फॉर्मूला था, टू पाई आर, ठीक है, और हमारे पास क्या है नीचे दिया हुआ थीटा, मान लीजिए थीटा या फाई कोई भी चीज मान लीजिए थीटा, और टोटल जो कितना है चाप, ये है यहाँ से लेके 180 डिग्री ऊपर वाला है और नीचे वाला 180 डिग्री है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 360 डिग्री, तो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा टू पाई आर फाई बटा 360 डिग्री, ठीक है, यहाँ इसको ऐसे भी लिख देते हैं टू पाई आर और ब्रैकेट में फाई बटा 360 डिग्री, जुबानी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समबाहु त्रिभुज का हमें परिमाप ज्ञात करना है, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए परिमाप है पी और उसकी साइड क्या है ए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू 3a, ठीक है। अब हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a², ठीक है। अब हमें दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है पी इज इक्वल टू 3a, और एरिया हमारे पास ये फॉर्मूला है जो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, हमें क्षेत्रफल ही निकालना है, ठीक है, माफ कीजिए, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3, जहाँ ए में भर देंगे 4√3, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की, उस ए की वैल्यू हम इसमें भर देंगे तो हमारे पास परिमाप निकल के आ जाएगा, ठीक है, समझ गए जी। अब देखिए जब ए में भर दिया एरिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ जाएगी, ठीक है, √3 से √3 कट गया और यहाँ पे आ जाएगा a² = 16, a² = 16 आ गया, तो ये हमारे पास ए आ गया 4, ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, हमने एक साइड निकाल लिया है समबाहु त्रिभुज की, तो उसके परिमाप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया पी इज इक्वल टू 3a, तो ए की वैल्यू हमने निकाल दी 4, तो ये हमारे पास आ गया 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12, तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमें दिया हुआ है दोस्तों बी ऑप्शन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे पैटर्न पूछा गया है इसीलिए कि पेपर का हिस्सा बनाया गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको ऐसे अनजाने में ना समझिए, ठीक है।
क्योंकि पेपर का लेवल भी इजी है इस बार। 25 नंबर क्वेश्चन देखते दोस्तों, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6, 8, 7 पी एंड 4 इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यदि 6, 8, 7 पी और 4 का अंक गणितिक माध्य 7 है तो पी का मान ज्ञात करिए। हमें मान ज्ञात करना है पी का, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है इन नंबर्स का वो क्या है, 7 है। किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो टोटल अंक है उसको प्लस कर लेना है, 6 + 8 + 7 + P + 4, और नीचे हमें कितने अंक दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, नीचे 5 से डिवाइड कर दो। किसके बराबर है, 7 के बराबर। 6, 8, 14, 14 और 7 कितना आ गया, 21, 21 और 4 25। पी को अलग लिख दीजिए, हमारे पास आ गया 25 + P, और ये 5 इधर जाके 7 से गुना हो गया, ये हमारे पास आ गया 25 + P = 35, ठीक है। ये 25 इधर जाके 35 से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, और पी की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कोस 90 - थीटा प्लस टेन 67 डिग्री माइनस कोट 23 डिग्री इज। मान साइन थीटा माइनस कोस 90 - थीटा प्लस टेन 67 डिग्री 67 डिग्री और माइनस कोट 23 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे सभी रकम में एक एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। देखिए साइन थीटा दिया हुआ है, इसको नहीं छोड़ना है, छेड़ना, ठीक है। जहाँ पे देखिए कोस 90 - थीटा, कोस 90 - थीटा कितना होता है आपको पता होना चाहिए। जो कोस है 90 - थीटा ये पहले क्वाड्रेंट में है, 0 to 90 डिग्री में सभी जो एंगल होते हैं कोस साइन टैन कोट ये सभी क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। तो इसीलिए जो कोस 90 - थीटा है ये किसके बराबर होता है, ये साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो कोस 90 - थीटा की जगह पे जब साइन थीटा लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। बाद में काटेंगे इसको। अब आगे देखिए, टैन 67 डिग्री और माइनस कोट 23 डिग्री। टैन है जो कोट का उल्टा होता है, देखिए वो कैसे, टैन होता है हमारे पास साइन बाय कोस, और जो कोट होता है वो हमारे पास होता है कोस बाय साइन, ठीक है। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ पे देखिए, तो हम जब कोट 23 डिग्री हमें दिया हुआ है तो कोट 23 डिग्री जो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं कोट 23 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोट 90 - 67 डिग्री, ठीक है। 90 - 67 डिग्री जब कर देंगे तो हमारे पास 90 - 67 होता है 23, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और जो टोटल हमारे पास रकम बन जाती है कोट 90 - 67, ये किसके बराबर होता है, ये होता है कोट टैन 67 डिग्री। जब कोट का कोई एंगल है उसमें 90 से कोई एंगल घटाया जाता है तो हमारे पास कोट का उल्टा होता है टैन, तो ये हमारे पास बन जाएगा टैन 67 डिग्री। तो ये कोट 23 डिग्री है, ये किसके बराबर है, टैन 67 डिग्री के। और यहाँ पर टैन 67 डिग्री पहले दिया हुआ है, दोनों आपस में कट जाएंगे। ये हमने निकाला था पहले कोस 90 - थीटा किसके बराबर है, ये है साइन थीटा के बराबर, ये दोनों भी आपस में कट गए। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा दिया हुआ है, हमारे पास क्या बचा है, जीरो, अंडा बचा है हमारे पास जीरो, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें ताकि आपकी इस लाइक से मैं और मोटिवेट हो सकूं और आपको ऐसी वीडियो और डालता रहूं, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी में पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। यदि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 3 सेकंड में तार का खंभा पार करती है, देखिए 120 मीटर लंबी है कोई ट्रेन, वो कितने सेकंड में खंभा पार करती है, 3 सेकंड में खंभा पार करती है 120 मीटर लंबी ट्रेन, और 160 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, जब 160 मीटर लंबा प्लेटफार्म है उसको पार कराने में वो कितना टाइम लगेगी, ये हमसे पूछ रहे हैं। 120 मीटर लंबी ट्रेन है वो 3 सेकंड में किसी खंभे को पार करती है, तो 160 मीटर वो जो प्लेटफॉर्म पार करेगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा, देखिए। तो पहले हमें टाइम निकालना है, पहले हम स्पीड निकाल लेंगे, 120 मीटर है लंबी ट्रेन 3 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। टाइम दिया हुआ यहाँ पे 120 मीटर लंबी, यानी कि हमें दिया हुआ है लेंथ, यानी कि लंबाई दी हुई है। स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है 100 यानी कि डिस्टेंस 120 लेंथ बटा टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो चल रही थी। देखिए यहाँ सिंपल से जाहिर होता है 120 मीटर 3 सेकंड में पार करती है,
यानी कि एक सेकंड में 40 करेगी, दूसरे में भी 40 और तीसरे में भी 40, तो कुल मिला के 120 मीटर कर रही है। यानी कि एक सेकंड का कितना कर रही है, एक सेकंड का कर रही है वो 40 मीटर। तो हमें स्पीड पता लग गई, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अब देखिए जब वो 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब कितना वो टाइम लेगी। तो हमें 160 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये होगी लेंथ। हमें स्पीड भी पता चल गई 40 सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें भी आप क्या पता करना है, समय। तो समय को पता करने का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो जब समय पता करना है तो टाइम इधर चला जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस हमारे पास देखिए पहला हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर, 120 मीटर ट्रेन है, और 120 मीटर ट्रेन है जो 3 सेकंड में पार करती है, और फिर साथ में कितना करती है, 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब 160 मीटर लंबे ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करते हमारे पास कितना मंजिला, 280 मीटर बन जाता है, 280 मीटर कुल लंबाई बन जाती है हमारे पास। और इसको बा कर देंगे जब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि तो हमें समय निकालना है। तो स्पीड में पता है 40, 0 से 0 कट गया, 4 से 28 कट गया, हमारे पास बन गया 7। तो 7 सेकेंड हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 7 सेकेंड लेगी पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में। प्लेटफॉर्म कितना है, 160 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में 7 सेकेंड लेगी। आगे देखिए, हाउ मेनी बार्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ बिग बार्स हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं त्रिज्या 2 सेंटीमीटर से प्रत्येक में कितनी गेंदें हैं, एक बड़ी गेंद को पिघलाकर बनाया जा सकता है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। बोल रहे हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है, की जो त्रिज्या है जिसे हम रेडियस बोलते हैं, उसकी जो बोल्स हैं, स्फेयर बोलते हैं इसको, स्फेयर है, 2 सेंटीमीटर स्फेयर हैं, वो कितने बनाए जा सकते हैं, किससे बनाने हैं, 8 सेंटीमीटर वाले रेडियस का कोई हमारे पास गोला है, ये गोला है, इसको मेल्ट करना है, यानी कि पिघला के 2 सेंटीमीटर वाले कितने बोल हम बना सकते हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। पहले तो 8 सेंटीमीटर वाला है, इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी कि इसका घनत्व निकाल लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, और फिर इसका भी निकाल लेंगे 4/3 πr³, ठीक है। और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि 2 सेंटीमीटर के कितने गोले बन सकते हैं, 8 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघला के, ठीक है। दोनों को जब वॉल्यूम दोनों की डिवाइड कर देंगे V1/V2, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, पहले की मान लीजिए छोटी आर और दूसरे की बड़े मान लीजिए बड़ी आर, हमारे पास रेडियस है, ठीक है। 4/3 π हमारे पास कट गया ऊपर से नीचे वाले तक, और दोनों रेडियस हमें अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। पहले हमें दिया हुआ है 8 वाला, ठीक है, बड़े वालों को ऊपर रखना है, नीचे वाले को नीचे, छोटे वाले को नीचे, ठीक है। पहले दिया हुआ 8, जब 8 की क्यूब करेंगे और नीचे है 2, 2 क्यूब कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 × 8/8, 8 से 8 कटे, हमारे पास आ गया 64, 64 गेंस बनाई जा सकती हैं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर वाले रेडियस से। तो ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, आपके लिए है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, मैं आपका, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका मैं रिप्लाई, ठीक है, जरूर करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए 29 क्वेश्चन, इफ 2x sin 60° -3y tan 45° इज इक्वल टू 0 और x tan 60° प्लस √2y cosec 45° इज इक्वल टू 5, देन अ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली विल बी। बोल रहे हैं यदि 2x sin 60 -3y tan 45° 0 के बराबर है और x tan 60° प्लस √2y cosec 45° 5 के बराबर है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें इनकी वैल्यू पता चाहिए, साइन 60 की, टेन 45 की, टेन 60 की और कोसेकेंड 45 की। जब साइन 60 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो भर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 और फिर आ जाएगा 3y, टेन 45° की वैल्यू होती है 1, किसके बराबर दिया हुआ 0 के, 2 से 2 कट गया, हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, √3x
माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। याद रखीजिए ये क्वेश्चन हमारे पास पहली बन गई है। अब दूसरी क्वेश्चन ढूंढते हैं, दूसरी क्वेश्चन ये वाली है, एक्स टेन 60 डिग्री प्लस अंडर टू वाई को सिकंड 45 डिग्री। टेन 60 डिग्री की वैल्यू इसमें भर देंगे, को सिकंड 45 डिग्री की वैल्यू इसमें भर देंगे, ये एक क्वेश्चन बन जाएगी किसके बराबर है, पाँच के बराबर है। ठीक है, पहली क्वेश्चन हमने निकाल ली है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू भर देंगे, इसमें इसकी वैल्यू भर देंगे। एक्स गुना टेन 60 डिग्री हमारे पास कितना होता है, वो होता है दोस्तों हमारे पास टेन 60 डिग्री हमारे पास होता है अंडर रूट थ्री। ठीक है, अंडर रूट टू वाई को सिकंड 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट टू। अंडर रूट टू अंडर रूट टू के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगी अंडर रूट थ्री एक्स प्लस वाई टू वाई किसके बराबर दिया हुआ है, पाँच के बराबर। यहाँ पर देखिए पाँच के बराबर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ये बन गई, दूसरी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो बनी थी हमारे पास, देखिए अंडर रूट थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन बनी थी और ये दूसरी बन गई। दोनों में एक्स और वाई का मान अदा करना है, दोनों को इलिमिनेशन में मेथड से कर देंगे। ठीक है, दोनों में दोनों को आपस में घटा देंगे, ऐसे सिंपल भाषा में बोल दीजिए, अंडर रूट थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो और अंडर रूट थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव। अंडर रूट थ्री एक्स को जब अंडर रूट थ्री एक्स माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाँच वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाँच। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई निकल के हमारे पास आ जाएगा एक। ठीक है, माइनस तो सबको करना होता होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब वाई को वाई की वैल्यू वन आ गई हमारे पास तो इसकी हम वैल्यू भर देंगे इक्वेशन एक में, अंडर रूट थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब एक्स जो अंडर रूट थ्री है जी इधर जाके इसके नीचे चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय अंडर रूट थ्री। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, थ्री बाय अंडर रूट थ्री। दोस्तों वो बन जाएगी थ्री बाय अंडर रूट थ्री, क्या होता है जो होता है थ्री बाय थ्री की पावर वन बाय टू। ठीक है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ऊपर जाके इसकी पावर वन है, इसमें वन बाय टू माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के क्या आ जाएगी, वन माइनस वन बाय टू हमारे पास क्या हो जाएगी। तो हम बता रहे थे एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थ्री बटा रूट थ्री। तो ये हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, थ्री की वैल्यू वन है, वन में से माइनस वन बाय टू कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, थ्री की पावर वन बाय टू, जो किसके बराबर होती है रूट थ्री के। तो एक्स हमारे पास आ गया रूट थ्री और वाई की मैंने आपको बताया वाई की वैल्यू है वन, तो ये किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, रूट थ्री एंड वन। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में दिया हुआ है रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, रूट थ्री बाय टू। तो थीटा की वैल्यू पता करनी है, हमें पता है फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। अब यहाँ पे वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, जब ये कोस स्क्वायर थीटा इधर वन के साथ माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास वन माइनस कोस का थीटा की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, साइंस स्क्वायर थीटा। इस साइंस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे भर देंगे इसकी जगह पे तो हमारे पास क्या जाएगा, रूट साइंस स्क्वायर थीटा किसके बराबर दिया हुआ है, रूट थ्री बाई टू के। स्क्वायर से रूट कट गया, साइन थीटा हमारे पास आ गया रूट थ्री बाई टू। अब साइन थीटा रूट थ्री बाई टू किसके बराबर होता है, कितने डिग्री पे होता है, ये आता है दोस्तों 60 डिग्री पे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए हमारे पास पार्ट फोर है, इंग्लिश का लास्ट पार्ट है, देखिए सबसे स्कोरिंग ये पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें एरर सपोर्ट करने हैं, तो हमें दिया हुआ है सबसे पहले नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। ठीक है, कोई भी न्यूज़ है वो गुड न्यूज़ नहीं होती है। तो नो न्यूज़ है, कोई न्यूज़ है, एक सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, सिंगुलर जैसे कि नाउन होता है, कोई भी नाउन कर लो, एक सिंगुलर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आर, आर इसके साथ मैच नहीं करेगा, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज। ठीक है, यहाँ पे आर की जगह पे इज का यूज होगा, तो हमारे पास एरर किस में आ गया जी, बी ऑप्शन में। आगे देखिए विद लिटिल पेशेंस, ठीक है, छोटी सी पेशेंस के साथ यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल, क्रॉस दिस हर्डल। तो तुम क्या है, इस सिचुएशन को पार करने में काबिल हो जाओगे, इस जो हर्डल है तुम्हारे रास्ते में रुकावट है उसको पार करने में काबिल हो जाओगे। तो विद लिटिल पेशेंस, विद लिटिल पेशेंस लिखा हुआ है तो लिटिल के साथ आगे क्या आ जाएगा, ए का यूज होगा। ठीक है, तभी सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म बनेगी। तो हमारे पास क्या जाएगा, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33 क्वेश्चन, आई वॉन्टेड टू सी दैट वेदर दे हैड एक्चुअली रीड द नोट्स। तुम्हारे पास यहां पर दिया हुआ है
मैं ये देखना चाहता हूं दैट वेदर दे हैड। तो यहां पे देखिए, आई वॉन्टेड टू सी दैट वेदर दे हैड एक्चुअली रीड द नोट्स, कि उन्होंने सचमुच जो नोट्स हैं वो पढ़े हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दैट का यूज नहीं होगा, यहाँ पे दैट की यूज नहीं होगी। ठीक है, आई वॉन्टेड टू सी वेदर दे हैड एक्चुअली रीड द नोट्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया होगा एरर, हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 34-37। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। अगला ऑप्शन देखिए, ही डैश हर दैट शी वुड पास, ही डैश हर, उसने उसे क्या किया? दैट शी वुड पास, कि वो पास हो जाएगी। उसने उसे जहाँ भरोसा दिलाया, हिम्मत जुटाई, ये हमें ऑप्शन से पता चलेगा। यहाँ पे अशोर्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोर्ड। ठीक है, अज्यूम होता है मान लेना, अनश्योर्ड का मीनिंग भी कुछ और बनता है। ठीक है, एनश्योर करना किसी चीज़ को, तो अशोर्ड होता है भरोसा दिलाना, भरोसा दिलाना। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो पास हो जाएगी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 36 क्वेश्चन, इट इज नॉट डैश फॉर अ मैन टू बी कन्फाइंड टू द परस्यूट ऑफ द वेल्थ। कन्फाइंड का मीनिंग होता है सीमाबद्ध, किसी सीम चीज को सीमा में रखना। और परस्यूट, परस्यूट में का मीनिंग होता है पीछा करना। ठीक है, तो जो सेंटेंस है इसका फॉर्म क्या बनता है? इट इज नॉट डैश, किसी आदमी के लिए क्या है? सीमाबद्ध, यानी कि पैसे का जो पीछापन है उसको सीमाबद्ध करना बोध क्या है? डैश है। डैश में क्या भरेंगे? या तो मुश्किल है, ठीक है, या तो पॉसिबल है, मुश्किल जैसे कि संभव नहीं है तो नॉट लगा हुआ है। ठीक है, इजी यानी कि आसान नहीं है, इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ मैन टू कंफाइंड टू बी, ये किसी इंसान के लिए आसान नहीं है कि वो पैसे का पीछा छोड़ दे या पैसे को सीमाबद्ध कर दे उसके पीछे इसको। ठीक है, या हेल्दी, हेल्दी का भी सही फॉर्म नहीं बन रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि कोई जो आदमी है वो पैसे पैसे के पीछेपन को सीधा सीमाबद्ध कर दे, सीमा में रखे। ठीक है, सीमा में रहे जबकि पैसे का पीछा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा जहाँ पे पॉसिबल, हिज पुअर डिसिप्लिन हैज लोअर्ड हिम इन द डैश एवरी वन हु नोज हिम, उसका जो पुअर डिसिप्लिन है उसे क्या कर दिया है? सबकी नज़रों में वो गिर गया है। ठीक है, सबकी नज़रों में गिर गया है जो उसे जानते हैं। तो यहाँ पे आई से लिखा हुआ है, ए ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 38 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इनडायरेक्ट नरेशन, हमें डायरेक्ट दिए हुए हैं इसको हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सीता सेड आई मे गो देयर, तो सीता ने कहा कि क्या मैं वहां जा सकती हूं। तो यहां पर सीता सेड, ये पास्ट है, उस पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो हम सेड को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे सेज लिखा हुआ है, ये वाला, ये भी ऑप्शन हमें इस ये नहीं आएगा। यहां पे भी सेज लिखा है, इस ऑप्शन भी काट देंगे। ठीक है, अब देखिए, सीता सेड, इन दोनों में सेड लिखा हुआ है, सीता सेड दैट शी विल गो देयर, शी विल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे विल का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि आई मे लिखा हुआ है। ठीक है, तो शी है, शी यानी कि फीमेल वर्ड है, मे को हम चेंज करते हैं जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं, तो मे का चेंज होता है माइट में। ठीक है, तो माइट में दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट फॉर्म बन रही है, सीता सेड दैट शी माइट गो देयर। आगे देखिए, एवरी बॉडी सेज डैश हाउ वेल शी सिंग्स, एवरी बॉडी सेज, हर कोई कहता है कि वो कितना अच्छा गाती है, यानी कि हर कोई क्या है, कमेंट करता है। साफ पता चलता है कि हम किसी के गाने पे कमेंट करते हैं कि वो कितना अच्छा गाता है, कितना बुरा गाता है। तो जैसे कोई आर्मी में ऑर्डर देता है, ठीक है, फायर करने को, जैसे कि द आर्मी चीफ आस्क द शोल्डर टू फायर, कि आर्मी चीफ ने सोल्जर को फायर करने का आदेश दिया, तो वो जब हम डायरेक्ट में, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में करते हैं उसका क्या जाता है? आर्मी सोल्जर ऑर्डर द सोल्जर टू फायर, तो हम उसे ऑर्डर लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पे हाउ वेल शी सिंग्स लिखा हुआ है, पीछे एक्सक्लामेटरी का लिखा हुआ है साइन, तो यहाँ पे उन्होंने कमेंट किया, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरी बॉडी कमेंट्स दैट शी सिंग्स वेल। ठीक है, वो कमेंट कर रहे हैं। आगे देखिए, 40 क्वेश्चन, ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी, उसने उससे कहा कि क्या तुम पार्टी में आ रही हो। ठीक है,
ये पीछे की बात हो रही है, पास्ट की, क्योंकि सेट लिखा हुआ है, उसने उससे कह दिया है, पीछे कहो, कल कहो, परसों कहो, लेकिन उसने उससे कह दिया है कि क्या तुम पार्टी में आ रही हो, ठीक है, चाहे कुछ घंटों की बात हो, कुछ मिनट की बात हो, लेकिन ये पीछे की बात है, पास्ट की, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क में जब दिया हो तो सेट टू क्या चेंज होता है, ये आस्क्ड में चेंज होता है। तो यहाँ पर टोल दिया हुआ इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसमें आस्क्ड दिया हुआ है, इसके में आस्क्ड दिया हुआ है और इसमें आस्क्ड दिया हुआ है, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं, ही आस्क्ड हर इफ शी वाज कमिंग टू द पार्टी। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में शी आस्क, ही आस्क्ड हर वेदर शी वाज कमिंग टू द पार्टी। तो जो आर होता है ये किस में चेंज होता है, जब हम आर दिया होता है क्वेश्चन मार्क में तो वो चेंज होता है इफ में, तो इसमें इफ नहीं दिया हुआ डी ऑप्शन में। किस किस में इफ दिया हुआ, एक दिया हुआ सी में और एक दिया हुआ बी में। ही आस्क्ड हर इफ शी विल बी कमिंग, तो विल बी तो यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि विल बी वो जैसे कि वो पार्टी में आएगी, तो उसने तो उससे क्वेश्चन किया है, ठीक है, पीछे की बात हो रही है, उसने जो क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वाज का जो लगा, वाज यानी कि पास्ट पार्टिकल है, ठीक है, वाज पीछे की बात कर रहा है, उसने उससे कह दिया कि वो पार्टी में आएगी, ठीक है, इफ़ शी वाज कमिंग टू द पार्टी। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म बन रही है बी ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन 41 to 42, एंटोनियम दिए हुए हैं टार्डी। तो टार्डी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, टार्डी का मीनिंग होता है तंगी, ठीक है, कोई काम है जो तंगी में चल रहा हो। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट फॉर्म हमारे पास क्या बन रही है, सी ऑप्शन में रैपिड। रैपिड का मीनिंग होता है तेजी, तेजी से कोई काम चल रहा हो, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए विजिलेंट, विजिलेंट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, तो विजिलेंट का मीनिंग दोस्तों होता है जागरूक, जो सब पता हो, हर चीज के बारे में जागरूक हो, ठीक है, इसका मीनिंग होता है जागरूक। हमें इसका उल्ट ढूंढना है, जागरूक का उल्ट होता है जो लापरवाह हो, बेपरवाह हो, तो इसका सेंस हो जाएगा केयरलेस, केयरलेस होता है लापरवाह बेपरवाह, ठीक है। इग्नोरेंट होता है जो किसी की बात पर ध्यान ना दे, इरिस्पॉन्सिबल होता है गैर जिम्मेदार, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार हो रही है, रिस्पॉन्सिबल होता है गैर जिम्मेदार। इनोसेंट होता है जैसे कि जो सही हो, जिसमें कोई दोष ना हो, ठीक है, किसी को इनोसेंट प्रूव करना, जैसे कि किसी को सही प्रूव करना। अगर देखिए क्वेश्चन 43 में दिया हुआ है, सम वर्ड फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज गिवन बिलो हैव बीन डिलीटेड, द ब्लैंक गिवन अप। हमें एक पैसेज दिया हुआ है, देखिए ये वाला पैसेज हमारे पास, इसमें जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये वाली पांच ब्लैंक्स हैं, इसको हमने भरना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ, सैनिटेशन एंड हाइजीन आर द आल्सो मोर इम्पोर्टेंट डैश। तो जो सैनिटेशन और हाइजीन है, ये एक महत्वपूर्ण डैश है, डैश द वेलबींग ऑफ सोसाइटी एंड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो 43 में हमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सैनिटेशन एंड हाइजीन आर आल्सो इम्पोर्टेंट बाय द वेलबींग ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी। तो जो सैनिटेशन हाइजीन है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, फोर फोर होता है वेलबींग सोसाइटी के लिए, फोर होता है के लिए, तो इसका 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फोर, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे में दिया हुआ है द वेलबींग ऑफ सोसाइटी एंड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। यहाँ पर देखिए, द गवर्नमेंट हैज डैश अ प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है, गवर्नमेंट हैज डैश अ प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू कर दिया है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है इनिशिएट्स, इनिशिएटेड, इनिशिएट और इनिशिएटिंग। तो इनिशिएटिंग का मीनिंग होता है कर रही है, इनिशिएट का मीनिंग है यानी कि अभी करना है, इनिशिएट्स का, इनिशिएट्स यानी कि अभी अभी रिसेंटली किया है, लेकिन हमने बोला कि गवर्नमेंट ने ये प्रोसीजर शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म बन जाएगी बी ऑप्शन में इनिशिएटेड, ठीक है। आगे देखिए 45 क्वेश्चन, इट एम्स टू डेवलप डैश रिवर फ्रंट्स। इसका उद्देश्य क्या है, डेवलप करना है डैश रिवर फ्रंट्स, रिवर फ्रंट का डैश डेवलप करना। अब इसका 45 का क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, 45 का रिवर फ्रंट्स, तो रिवर फ्रंट्स के आगे यहाँ पे आर्टिकल लगेगा, ठीक है, द, क्योंकि द का यूज होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए रिवर फ्रंट्स के आगे एंड का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि एक वोवल भी नहीं है, ए रिवर फ्रंट्स ये एक ए आर्टिकल के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करता है, यहाँ पे द रिवर फ्रंट्स आएगा, इन रिवर फ्रंट्स की सेंस भी नहीं बन रही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन द। आगे देखिए
इट विल सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। डैश द रिवर, जो पोल्यूशन है वो किस में है, पोल्यूशन डैश द रिवर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में पोल्यूशन डैश द रिवर, इन द रिवर, ऑन द रिवर, जो रिवर में ऊपर पोल्यूशन होता है, ऑन टू उसके ऊपर और बाय उसके द्वारा, जो पोल्यूशन होता है वो रिवर के अंदर होता है, ठीक है, इन द रिवर। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन, तो यहाँ पे आएगा इन, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का। 47 देखिए, द नीड हैज़ बीन डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो जरूरत है वह कब से पड़ी हुई है, कितने समय से पड़ी हुई है जरूरत, ठीक है, तो जो नीड है वो फेल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे आ जाएगा फेल्ट, ठीक है, यहाँ पे फीलिंग का यूज भी नहीं होगा, फीलिंग का तो आपको पता है क्या होता है, फील, नीड हैज बीन फील, जो इंसान फील कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखा है, जो जरूरत है, ठीक है, वो कब से पड़ी हुई है, ठीक है, कब से इसकी जरूरत थी, ठीक है, जो ये काम हो गया, जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम इनिशिएट कर दिया है और ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और इसकी जो जरूरत है वो कब से पड़ी हुई थी, तो पड़ी हुई थी इसका जो थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, फील फेल्ट फेल्ट, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फेल्ट। आगे देखिए जंबल सेंटेंस, सीता टोल्ड, सीता ने कहा, सीता टोल्ड, सीता ने टोल्ड कहा, किससे कहा, रवि से, आर ऑप्शन में दिया टोल्ड रवि दैट दैट, यहाँ पर मोर डॉग्स भी नहीं आएगा, टू हैव एनी, सीता ने रवि से कहा दैट, दैट क्या आएगा, दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी मोर डॉग्स, करेक्ट फॉर्म इसकी बन रही है दोस्तों आर पी एस और क्यू, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 49 क्वेश्चन, हिज एम्प्लॉइज गोट बैड हैबिट्स ही इज अनॉयड विद, तो इसका क्या बन जाएगा, हिज, उसके जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज क्या हैं, गोट अनॉयड, अनॉयड मतलब कि परेशान हो गए हैं, ठीक है, अनॉयड यानी किसी से तंग हो जाना या गुस्सा हो जाना, ठीक है, तो वो उसकी बैड हैबिट से तंग हैं, किसकी, यहाँ पे देखिए हिज एम्प्लॉयज गोट अनॉयड विद हिज बैड हैबिट्स, ठीक है, करेक्ट फॉर्म इसकी बन जाएगी पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच रहा है वन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, किसी जो इंसान की जो लाइफ हिस्ट्री है, उसके जीवन का इतिहास है, जब उसके द्वारा लिखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और फ्लेक्सोग्राफी, जो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया पहले भी, ठीक है, इंग्लिश में, इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए, जिसको भी पता है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, मिलते रहिए हमारे और बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।